हेलो फ्रेंड, आप लोग का स्वागत है कुमारी रीमा की रसोई में। आज मैं चावल का लड्डू बनाने जा रही हूँ। ये चावल के आटे हैं जिसको मैं भूनूंगी घी में डाल करके। ये चीनी है, 300 ग्राम के लगभग चावल के आटे हैं, और नारियल का बुरादा है 3 से 4 चम्मच के लगभग। किशमिश, चिरौंजी 2 से 4, इलायची 1 गिलास दूध लगेंगे। अब मैं गैस ऑन करने जा रही हूँ। मैंने गैस को ऑन कर लिया है। अब इसमें मैं कढ़ाई को पैन गरम करूँगी और इसमें मैं घी डालूँगी। 1/2 चम्मच के लगभग मैं घी डालूँगी और चावल को मैं भून लूँगी। आप देख सकते हैं ये गरम हो चुके हैं, घी गरम हो चुके हैं। मैंने इसमें थोड़ा सा सौंफ डाला है, 1/2 चम्मच के लगभग। ये सौंफ हल्के से तड़कने लगेंगे, तब मैं इसमें चावल आटा डालूंगी और इसे मैं अच्छे से भूनूंगी। धीमी फ्लेम पे ही भूने। लगभग 1 चम्मच के लगभग मैंने बड़ी वाली चम्मच से घी का यूज किया है। देख सकते हैं इस तरह मैं इसे थोड़ा देर भूनूंगी। उसके बाद मैं इसमें चीनी मिलाऊंगी। आप देख सकते हैं हल्का सा भून चुका है, आप इसी तरह भून लें। इसमें मैंने हल्का चिरौंजी जो डाला था ना, खैर था आप लोगों को, मैंने इसमें चिरौंजी मिला दिया है। इलायची का को क्रश कर लिया है मैंने, इसके छिलके हटा करके, और 2 से 3 इलायची आप डाल दें खुशबू के लिए। ऐसे मैंने सौंफ का भी यूज किया है इसमें, 1/2 चम्मच के लगभग। मैं यह मिक्स करूँगी। मैं इसमें चीनी डालूँगी, ये हल्का सा आप देख सकते हैं मैंने इसमें चीनी मिक्स कर लिया है। इस तरह मिक्स हो जाए चीनी थोड़ा थोड़ा करके, एक बार में पूरी ना डालें दूध, हल्का हल्का करके आप दूध डालें। मैंने ठंडे दूध का यूज किया, अभी की तरह इसको मिलाते हुए हल्का हल्का करके डालें। बराबर चलाते रहें कि कुछ नहीं हो। इस तरह आप ही मिक्स करते रहें इसको अच्छे से, ध्यान रखें कि कुछ भी ना आए आने का इसमें। दूध मिक्स कर लें अच्छे से, ऐसे ही 2 से 3 मिनट के लिए मिलाऊंगी। इसी तरह आप भी इसको मिक्स करते हुए मिलाएं। अब ये पूरी तरह से मिल चुके हैं और ये हल्के से ठीक भी चुके हैं। तो मैं इसे प्लेट में गैस बंद करके प्लेट में ट्रांसफ़र कर लूँगी और इसे मैं हल्का ठंडा करूँगी। उसके बाद मैं इसके लड्डू बनाऊँगी दिखाऊंगी। आप देख सकते हैं मैंने इसे मिला लिया है, अभी ये गर्म है, हल्का सा गर्म रहे, हाथ सहने लायक गर्म हो तभी आप इसकी छोटी छोटी बूंदियाँ देखिए इस तरह से राउंड राउंड शेप में बनाते जाएं। देख सकते हैं चाहे तो इसमें उंगली फिंगर का भी डिजाइन दे सकते हैं। बहुत ही टेस्टी होते हैं खाने में। देख सकते हैं मैंने इसे राउंड शेप में और 2 तरह के शेप में मैंने इसे बनाए हैं। अब मैं इसे नारियल के बुरादे से गार्निश कर लूँगी अच्छे से। इस तरह से आप ही मिलाएं, ये अच्छा आसानी से चिपक जाते हैं। देख सकते हैं आप भी इसी तरह कोट कर लिया करें, बहुत ही टेस्टी होते हैं। आजकल जेठ का महीना है, जून का, इस मंथ में लखनऊ में बड़ा मंगलवार आता है, इसमें ये मिठाइयाँ बहुत बनाई जाती है और प्रसाद के रूप में भगवान को चढ़ाया जाता है। इसे आप फेस्टिवल पे भी बना सकते हैं,
मैं कुछ राउंड शेप का बनाई हूँ, इसे आप देख सकते हैं। आप भी इसी तरह ट्राई करें बनाया। अभी मैं इसमें किशमिश भी बीच बीच में डेकोरेशन में डालूंगी। अब आप देख सकते हैं मैंने इसे किशमिश से भी गार्निश कर लिया है। ये जितने सुंदर देखने में लगते हैं उतने खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। प्लीज़ आप लोग भी बनाएं, फिर फैमिली के साथ एंजॉय करें। अगर मेरी वीडियो आप लोग को अच्छी लगे तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।